हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कोरोना की वजह से आपके बैचेस स्टार्ट नहीं हो पा रहे, लेकिन हम लोग ने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करी है जिसको आप डेली घर बैठ के स्टडी करो। उसके बाद अगर कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे उसको सेंड करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। मैंने भी फर्स्ट चैप्टर यहाँ से स्टार्ट किया है मैट्रिसेस, जो कि आप थोड़े दो तीन एक्सरसाइज कर भी चुके हो, लेकिन अभी स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर रहे हैं ताकि सबको दोबारा से समझ में आ जाए। सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन मैट्रिक्स की। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स होती क्या है? मैट्रिक्स अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एम हॉरिजॉन्टल लाइंस called rows and n vertical lines called column is called a matrix of order m by n written as m into n। इस डेफिनेशन को हमें बेटर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैट्रिक्स को हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं, मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू 3, 5, -4, 0, 1, 9। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है जिसको हम रो कहते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी 2 है, से नंबर ऑफ रोज कितनी है 2। वर्टिकल लाइंस जिसको हम कॉलम बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस कितनी है 1, 2 एंड 3, इसलिए कॉलम कितने हैं 3। ऑर्डर जो होता है वो कितना होता है m into n, m is the number of rows and n is the number of column, तो therefore इसका ऑर्डर कितना होगा 2 into 3, that is 2 into 3, and number of elements कितने होते हैं 2, 3 are 6। अगर हम ऑर्डर के number of rows into column की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है number of elements, तो number of elements कितने आ गए इसके 6। clear? ये सिंपल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। मैट्रिक्स को हम किस ब्रैकेट में लिखते हैं? मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो रोज होती हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज आपके 2 हैं। वर्टिकल लाइंस जो होती हैं वो कॉलम्स होते हैं, कॉलम यहाँ पे 3 हैं। ऑर्डर कितना होता है m into n, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम 2 into 3, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ गया 2, 3 are 6। क्लियर? अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज जो है फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5A एट पेज नंबर 154। आरएस अग्रवाल से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5A, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1A इक्वल्स टू 5 -2 6 1 7 0 8 3 -3 √2 3/5 4 3। देन पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रोज इन ए, नंबर ऑफ रो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो नंबर ऑफ रो होती है, तो उसमें नंबर ऑफ रो कितनी है आपकी, नंबर ऑफ रो है आपकी 1, 2 and 3। क्लियर? सेकेंड है नंबर ऑफ कॉलम जो वर्टिकल लाइंस होती है उसको कॉलम बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस इसमें 4 हैं इसलिए इसमें कॉलम कितने होंगे 4। क्लियर? नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर होता है आपका नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो आपकी कितनी है 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 4। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एंट्रीज इन एलिमेंट, एंट्रीज इन ए, नंबर ऑफ एंट्रीज मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एंट्रीज को या नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है 3, 4 are 12।
Clear? And the last, the value of the element A 2 3, for example A 2 3, ये इसका एड्रेस है, मींस इसमें सेकंड रो देखेंगे हम, थर्ड कॉलम पे जो वैल्यू रखी होगी, ये सेकंड रो हुई आपकी, सेकंड रो में थर्ड कॉलम कौन सा हो गया, ए, ये तो इसमें ए टू थ्री की वैल्यू कितनी है, ए, ए टू थ्री का मतलब सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो पे आ गए ना, सेकंड रो पे थर्ड वैल्यू कौन सी है, ए, तो ए टू थ्री का आंसर कितना आ गया, ए. नेक्स्ट है ए थ्री वन, ए थ्री वन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो आ गई आपकी फर्स्ट एलिमेंट, इसमें थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, अंडर रूट. क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन? नंबर ऑफ रोज हॉरिजॉन्टल लाइंस रो होती है, नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, थ्री. वर्टिकल लाइंस कॉलम, तो वर्टिकल कॉलम्स कितने हो गए, फोर. ऑर्डर थ्री इंटू फोर, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम. नंबर ऑफ एंट्रीज मल्टीप्लाई करके आएगा, थ्री फोर जो ट्वेल्व, ए टू थ्री दैट इज एट एंड ए थ्री वन दैट इज अंडर रूट टू. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, राइट द ऑर्डर. ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके हम दो तीन एग्जाम्पल दे देते हैं. क्वेश्चन नंबर टू फर्स्ट पार्ट, ए इसमें आपको गिवन है थ्री फाइव फोर माइनस टू जीरो अंडर रूट थ्री माइनस वन फोर अपॉन नाइन. इसमें नंबर ऑफ रोज आपकी टू है और कॉलम फोर है, तो इसमें इसका ऑर्डर कितना होगा, टू इंटू फोर. नेक्स्ट बी एक आपकी मैट्रिक्स है, सिक्स माइनस फाइव वन अपॉन टू थ्री अपॉन फोर माइनस टू माइनस वन. इसमें आपकी थ्री तो रोज है, कॉलम आपके टू है, इसलिए इसका ऑर्डर होगा थ्री इंटू टू. क्लियर? इस तरीके से हम ऑर्डर लिखते हैं, पहले नंबर ऑफ रो आती है इंटू नंबर ऑफ कॉलम. वन मोर एग्जाम्पल सी, सेवन माइनस अंडर रूट टू फाइव एंड जीरो. इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, वन, और कॉलम कितने हैं, फोर, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया, वन इंटू फोर. क्लियर? ये सेकंड क्वेश्चन था आपका जिसमें हमने आपको सिखाया कि हम ऑर्डर कैसे लिखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव. एलिमेंट किसी मैट्रिक्स में 18 गिवन है हमारे पास, एलिमेंट्स 18, हम इसमें क्या करना है, पॉसिबल ऑर्डर्स लिखने हैं, हम 18 के पॉसिबल फैक्टर्स लिखेंगे जिससे 18 डिविजिबल होगा. 1 से होगा डिविजिबल, 2 9 जाए 18, 3 6 जाए 18, 6 3 जाए 18, 9 2 जाए 18, 18 मींस 18. तो जो इसके पॉसिबल ऑर्डर आएंगे, पॉसिबल ऑर्डर दैट इज 1 इंटू 18, 18 इंटू 1 मींस 1 रो एंड 18 कॉलम, 18 रो 1 कॉलम. 2 into 9, 9 into 2, 3 into 6, 6 into 3. Clear? Any confusion? Clear?
जितने भी एलिमेंट्स होंगे पहले आप उसके फैक्टर लिख लेंगे, 1, 2, 3, 6, 9, 18, ये सब नंबर से 18 डिविजिबल हो जाएगा। पॉसिबल हो जाएगा 1 into 18, 18 into 1, 2 into 9, 9 into 2, 3 into 6 and 6 into 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। सेम क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 2 by 3। कंस्ट्रक्ट अ 3 by 2 मैट्रिक्स हूज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इक्वल्स टू 2i-j। हमें 3 by 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें कितने एलिमेंट होंगे, 3 to the 6 एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हैं। तो इसका मतलब उसमें 3 तो रोज होंगी और 2 कॉलम होंगे इस तरीके से, A11, A12, A21, A22, A31, A32, इस तरीके से उसमें 6 एलिमेंट आएंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इसमें हमें 6 के एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, A11 i की जगह हम रखेंगे 1 और j की जगह में कितना रखेंगे 1, तो ये आएगा आपका 2 into 1-1, 2 into 2-1, दैट इज 1। A12 2 into 1-2, 2-2, 0। देन फाइंड करेंगे A21, 2 into 2-2, i की जगह हमने पुट किया 2, j की जगह पुट करेंगे 1, 2 to the 4-1, दैट इज 3। नेक्स्ट आएगा आपका A22, 2 into 2-2, 2 to the i की जगह 2 पुट किया, j की जगह पर 2 पुट किया, 2 to the 4-2, दैट इज 2। A231, 2 into 3-1, 2 3 6-1, 5। नेक्स्ट आएगा आपका A32, 2 into 3-2, 6-2, 4। क्लियर। अब उसको मैट्रिक्स में लिख देंगे A=1, A11 पे A12 पे 0, A21 पे 3, A22 पे 2, A31 पे 5, A32 पे 4। तो इस तरीके से एक मैट्रिक कंस्ट्रक्ट होगी जिसका ऑर्डर कितना है, 3 रोज है और 2 कॉलम। फाइनली इसका आंसर क्लियर। हमें 3 by 2 की मैट्रिक्स बनानी थी जिसमें aij गिवन था 2i-j, इट मींस हमें 6 एलिमेंट फाइंड करने थे, A11, A12, A21, A22, A31, A32। हमने पहले i की जगह A11 में i की जगह 1 रखा, j की जगह 1, ऐसे i की जगह 1, j की जगह 2, सिमिलरली ऑल द एलिमेंट्स फाइंड करने के बाद मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है यहाँ तक? ये एक्सरसाइज आपसे कंप्लीट हो जाएगी, इस एक्सरसाइज को आप पूरा करना, एक्सरसाइज 5 को। कल नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट बताएंगे एक्सरसाइज 5 भी, उससे पहले आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे। ओके, थैंक यू।